बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक बाप ने अपने बेटे को 20 नसीहतें की। नंबर एक, पुलिस वाले के साथ न दोस्ती करना न दुश्मनी। नंबर दो, अपनी बीवी को अपने ये राज कभी न बताना कि आपके पास कितने पैसे हैं। नंबर तीन, उस शख्स से दूर रहना जो ऊंचे लहजे में बात करता हो। नंबर चार, अपने दुख को लोगों के सामने बयान मत करना, वरना वो आपको कमज़ोर समझेंगे और आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। नंबर पाँच, जाहिल से बहस ना करना। जाहिल जब बात करे तो इतनी तेज़ी से वहां से निकल जाना जितनी तेज़ी से बंदूक से गोली निकलती है। नंबर छः, उस शख्स से कभी दोस्ती मत तोड़ना जो हर गलती के बाद आपसे माफ़ी मांगे। नंबर सात, पुराने कपड़े पहनने वालों को कभी नीची नज़र से ना देखना। नंबर आठ, माँ बाप अगर 100 बार भी गलत मशवरा दें तो भी उनसे ज़ोर से बात मत करना। नंबर नौ, गरीब लोगों को अपना दोस्त बनाना। नंबर दस, उस शख्स को कभी भी अपना राज मत बताना जो आपके सामने लोगों के राज खोलता हो। नंबर ग्यारह, जिंदगी में सुकून चाहते हो तो दिल में अरमान कम रखना। नंबर 12, सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ में सामान कम रखना। नंबर 13, किसी की मजबूरी का कभी गलत फ़ायदा मत उठाना। नंबर 14, याद रखना जो भी एक बार धोखा दे उस पर दोबारा कभी भी भरोसा मत करना। नंबर 15, आला मकाम चाहते हो तो अपनी नीयत को साफ रखना। नंबर 16, पेट भर के खाना कभी मत खाना। नंबर 17, कभी किसी फकीर और मिस्कीन से बदसुलूकी मत करना। नंबर 18, रात का खाना देर से मत खाना। नंबर 19, एक तरफ हजारों झूठे और दूसरी तरफ एक सच्चा हो तो हमेशा सच्चे इंसान का साथ देना। नंबर 20, मेरी जान, मेरे मरने के बाद इन बातों को कभी भी मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हों। अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनके गुनाहों की मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।